इस वर्ष पंचांग के अनुसार 14 फरवरी को बसंत पंचमी पड़ रही है। माना जाता है कि इस दिन माता मां सरस्वती का जन्म हुआ था, इसलिए बसंत पंचमी पर मां शारदा की पूजा की जाती है। ज्योतिष आचार्य के अनुसार बताया गया कि पंचमी के दिन माता सरस्वती को प्रसन्न करने के लिए कुछ आसान एवं सरल उपाय बताए गए हैं, जो कि राशि के अनुसार है। आइए जानते हैं सभी राशियों के अनुसार क्या क्या बताया गया है। गुप्त नवरात्रि की पंचमी तिथि अर्थात माघ शुक्ल पक्ष की पंचमी, बसंत पंचमी इसको कहते हैं। इस दिन बुद्धि और विद्या की देवी सरस्वती का पूजन किया जाता है, आराधना की जाती है और इसी दिन माँ सरस्वती की जयंती या जन्मोत्सव भी रहता है। इसलिए यह जो है माँ सरस्वती की विधिवत पूजन करने के लिए और उनका आशीर्वाद प्राप्त करने के लिए विशेष दिन है। विद्या बुद्धि ज्ञान और विवेक की प्राप्ति के लिए माँ सरस्वती का पूजन किया जाता है। माँ शारदा की कृपा से हमारी वाणी दिव्य होती है और प्रखर होती है, बुद्धि प्रखर होती है और ज्योतिष के अनुसार यदि विद्या में किसी प्रकार की बाधा हो, शैक्षणिक कार्य में किसी प्रकार की रुकावट हो, कहीं सफलता प्राप्त करने में कोई संदेह हो, पढ़ाई में मन नहीं लग रहा हो, प्रतियोगी परीक्षाओं में सफलता की प्राप्ति नहीं हो पा रही है और आप उन प्रतियोगी परीक्षा में सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, नौकरी में करियर में आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं, तो राशि अनुसार जो हम उपाय बता रहे हैं यह उपाय यदि आप करते हैं तो निश्चित ही आपको सफलता की प्राप्ति होगी और जो भी बाधा जो भी संकट है वे बाधा संकट दूर होंगे। मेष राशि के जातक सरस्वती कवच का पाठ करें। वृषभ राशि के जातक सरस्वती जी को पूजन करें और सफेद चंदन और पीला फूल अर्पित करें। मिथुन राशि के जातकों को माँ सरस्वती का पूजन करके पेन समर्पित करना चाहिए और उसी पेन से अपने सारे कार्य करना चाहिए। कर्क राशि के जातकों को सरस्वती जी का पूजन करके केसर युक्त खीर का भोग लगाना चाहिए। सिंह राशि के जो जातक हैं उनको गायत्री मंत्र का जप करना चाहिए और ओम एम सरस्वती नमः इस मंत्र का जप करना चाहिए। कन्या राशि के जो जातक हैं उनको गरीब बच्चों को पेन कापी पुस्तक इत्यादि का दान करना चाहिए। तुला राशि के जातकों को ब्राह्मणों को पीला वस्त्र दान करना चाहिए और सरस्वती जी का पूजन करके पीले रंग का ही भोग, पीले रंग की मिठाई अर्पित करना चाहिए। वृश्चिक राशि के जातक सरस्वती जी का अभिषेक करें और पेन अर्पित करें, इसी पेन का उनको भी उपयोग करना चाहिए। धनु राशि के जातकों को पीले रंग का भोग लगाना चाहिए, पीले रंग का मीठा अर्पित करना चाहिए। मकर राशि के जातकों को केसरिया रंग के जो मीठे चावल रहते हैं उसका भोग लगाना चाहिए और गरीबों को अन्नदान करना चाहिए। कुंभ राशि के जो जातक हैं उनको गरीब बच्चों को जो भी उनकी पढ़ाई लिखाई से संबंधित वस्तुएं हैं, कापी पेन पुस्तक या अन्य कोई उनकी आवश्यकता हो, ऐसे गरीब बच्चों से पूछ करके उनकी आवश्यकता संबंधी वस्तु उनको देना चाहिए। और मीन राशि के जातकों को ब्राह्मणों को पीले या केसरिया रंग के वस्त्र देना चाहिए। तो ये 12 राशियों के लिए अलग अलग उपाय हमने बताए। यदि ये 12 राशि के जो जातक हैं, इन राशियों के जो छात्र हैं या प्रतियोगी परीक्षाएं दे रहे हैं, वे यदि इन उपायों को करते हैं तो सभी प्रकार की सफलता उनको प्राप्त होगी, विद्या के क्षेत्र में, नौकरी के क्षेत्र में, पढ़ाई के क्षेत्र में, करियर के क्षेत्र में, और जो भी बाधाएं हैं वे बाधाएं दूर होंगी और उनको सफलता की प्राप्ति होगी।